मुनोत नैंसी के अनुसार गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं थी? तो मुनोत नैंसी ने गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं बताई है? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है 26 शाखा, बी है 24, सी है 36 और डी है 35 शाखा। तो इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन है। जो मुनोत नैंसी था, इसने गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं बताई है? इन्होंने कुल 24 शाखाएं बताई है गुहिलों की। और मुनोत नैंसी के तरह ही एक इतिहासवेत्ता हुए है, इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने भी गुहिलों की कुल कितनी शाखा बताई है? 24 शाखा बताई है। तो कर्नल जेम्स टोड और मुनोत नैंसी ने। कर्नल जेम्स टोड और मुनोत नैंसी ने गुहिलों की कुल 24 शाखाएं बताई है, और इन 24 शाखाओं के अंदर कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख शाखाएं भी है। वो कौन कौन सी है? वो है मेवाड़ के गुहिल, वागड़ के गुहिल, चाक्षु के गुहिल और कल्याणपुर के गुहिल। ये जो गुहिल है वो अन्य जो शाखा जो 24 शाखाएं हैं इनमें महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक है शाखाएँ हैं। ओके, अभी मैं लिखवा देती हूँ कौन कौन सी है। मेवाड़ के गुहिल, चाक्षु के गुहिल, मालवा के गुहिल, कल्याणपुर के गुहिल। तो ये जो शाखाएं हैं, और एक वागड़ के गुहिल, क्या वागड़ के गुहिल, तो मेवाड़ के गुहिल, चाक्षु के गुहिल, मालवा के गुहिल, कल्याणपुर और वागड़ के गुहिल, ये जो शाखाएं हैं वो क्या है? प्रमुख और महत्वपूर्ण शाखाएं हैं 24 शाखाओं के अंदर। तो 24 शाखाएं किन्होंने बताई है? कर्नल जेम्स टोड और मुनोत नैंसी के अनुसार गुहिलों की कुल 24 शाखाएं हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं वो ये है। ओके, फिर गुहिलों का जो प्रमुख स्थान है वो कौन सा है? गुहिलों का प्रमुख स्थान है वल्लभी, यानी कि वीर विनोद के अंदर, वीर विनोद रचना है। वीर विनोद के अंदर गुहिलों का जो मूल स्थान बताया गया है वो वल्लभी को बताया गया है, और वल्लभी का एक ही व्यक्ति गुहिल था, वो कौन था? गुहादित्य, जिसके नाम के ऊपर ही इसके वंशज का बाद में क्या है? गोत्र चला था। ओके, तो गुहिलों के मूल स्थान कौन सा है? वल्लभी रहा है। वल्लभी ये गुहिलों का मुख्य स्थान था। ओके, और इसके अंदर एक ही व्यक्ति गुहिल था, वो था गुहादित्य उर्फ गुहिल, इसको गुहिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका उल्लेख इसमें किया गया है? वीर विनोद के अंदर किया गया है। वीर विनोद के जो लेखक है वो है श्यामलदास, कवि श्यामलदास। कवि राजा श्यामलदास, ये किसके लेखक है? वीर विनोद के लेखक है। इनकी रचना है वीर विनोद।